हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास कैनन की 2525 मशीन है। दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी जो टेफ्लॉन है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और बार बार जो है हमारे पेपर भी जाम कर रही है। तो आज हम इस मशीन की फिक्सिंग यूनिट को बाहर निकाल के इसमें टेफ्लॉन को चेंज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना देरी की ही मैं आपको बताऊँ दोस्तों, हमें ये साइड डोर ओपन करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर क्या जगह नहीं है तो मैं मशीन को थोड़ा टर्न कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको साइड डोर ओपन करके फिक्सिंग यूनिट बाहर निकाल के टेफ्लॉन चेंज करना बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी फिक्सिंग यूनिट है, हमने मशीन का ये डोर खोल लिया है। तो अब हमें ये फिक्सिंग यूनिट बाहर निकालने पड़ेगी। तो इसके ये दो नट हमें खोलना पड़ेंगे, एक ये वाला नट है और एक ये वाला नट है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये नट है। तो ये दो नट हमें खोलने पड़ेंगे जब फिक्सिंग यूनिट बाहर आएगी। तो ये नट हम खोलते हैं, चलिए। तो दोस्तों, हमने ये दोनों नट खोल लिए हैं, एक ये नट है और एक जो मैंने आपको बताया था। तो चलो हम अपनी फिक्सिंग यूनिट बाहर निकालते हैं। आप जरा सा हल्का पकड़ोगे और इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। हम इसको अच्छे से रख लेते हैं। तो मैं आपको भी फिक्सिंग यूनिट खोलना बताऊंगा और इसमें क्या प्रॉब्लम है और टेफ्लॉन भी हम कैसे चेंज करें अगर हमें टेफ्लॉन की कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसको अच्छे से नीचे रख लेना है और आप देख रहे होगे दोस्तों कि इसमें का कुछ ये नट्स लगे हुए हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक ये नट है, ये भी है और ये है। ये कुछ चार पांच नट हैं जो हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, पहला ये नट है तो मैं आपको ये नट खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके सारे जो स्क्रू हैं वो खोल लिए हैं। अब इसको सिंपली आप अलग कर सकते हो और बाकी जो ये प्लेट लगी हुई है इसको हल्के हाथ से ऊपर उठाओगे तो ये भी बाहर आ जाएगी। इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी ये है हमारी टेफ्लॉन जो अभी आप देख पा रहे हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम कर रही है तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। बाकी हमें इसको निकालने के लिए ये जो वायरिंग है इसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। आप यहाँ ये देख पा रहे हो, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। वैसे ये लॉक टूट गया है हमारा, वरना इसको थोड़ा प्रेस करके निकालना पड़ता। तो अभी क्या ये लॉक के साथ ही बाहर आ रही है। तो सिंपली ये वायरिंग मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद अब आपको ये स्क्रू निकालने होंगे। ये जो दो स्क्रू लगे हैं, एक स्क्रू ये है और दूसरा स्क्रू इसी तरफ ये लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है। आपको ये दोनों खोलना होंगे तो मैं अभी इनको सिंपली खोल लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप ये दोनों स्क्रू खोल लोगे तो इसको हल्का सा प्रेस करोगे, ये देख रहे हो आपको ये लॉक लगा हुआ है। आपको मैं पास से दिखाऊं, ये जो लॉक लगा है इसको आप धीरे से प्रेस करोगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और उसको आप धीरे से ऊपर उठा दो। जैसे ये बाहर निकल आएगा इसको आप ऊपर उठा देना, ये है। और ऐसे ही सेम इस तरफ करना है। ये लॉक देख रहे हो आप, ये लगा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा झुका के दबा के बाहर निकाल लेना और इसको भी आप ऊपर उठा सकते हो। अब ये दोनों निकालने के बाद एक जो नट है वो हमें इसको भी खोलना पड़ेगा। ये जो पत्ती दिख रही साइड में, ये वाला जो नट लगा हुआ है हमें ये भी खोलना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये पत्ती भी हमें
निकालनी पड़ेगी। ये निकलने के बाद इसमें ये हल्का सा ये लॉक लगा हुआ है, आप ये देख रहे होंगे, इसको आराम से रख लो और ये पत्ती हमारी बाहर निकल आई। इनको निकालने के बाद आप ये सिंपली ऊपर उठा दो इनको लॉक्स को, और फिर उसके बाद आपको यहाँ ये पत्ती लगी हुई है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और इसमें से जो ब्लैक वायर दिख रहा है आपको ये वाला, वो उस नट को खोलना भी पड़ेगा। ये वाला जो ब्लैक वायर है इसको खोलना भी पड़ेगा। तो इस पत्ती को चलो हम बाहर निकालते हैं। ये पत्ती में लॉक लगे होते हैं, एक लॉक ये है और एक लॉक ये दिख रहा है आपको, ये लॉक आप थोड़ा सा दबाओगे तो ये पत्ती बाहर आ जाएगी। ये देखो ये पत्ती बाहर आ गई, इसको आप अच्छे से निकाल लेना, और फिर आप देख पाओगे कि आप जरा से टेफ्लॉन को ऊपर उठाओगे तो ये टेफ्लॉन हमारी बाहर आ जाएगी। देखो ये है हमारी टेफ्लॉन, और इसी के नीचे है हमारा हीटर, और इसी के जस्ट नीचे ये प्रेशर रोलर लगा होता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी इसमें से ग्रीस वगैरह निकल रहा है। देखो मैं आपको और भी दिखाता हूँ अच्छे से, ये जो ग्रीस लगा हुआ है वो हमारा टेफ्लॉन में से निकल रहा है। देखो यहाँ से ये भी निकल रहा है, यहाँ से भी, और इस तरफ भी ये काफ़ी ग्रीस लगा हुआ है। इसमें टेफ्लॉन के अंदर लगाया जाता है ये नीचे। चलो हम टेफ्लॉन खोलते हैं। टेफ्लॉन निकालने के लिए पहले हमें एक ब्लैक वायर खोलना पड़ेगा, और ये जो होल्डर है ये इसको ज़रा सा प्रेस करोगे, इसको ज़रा सा आप ऐसे प्रेस करोगे ये, तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखो ये जो होल्डर है ये भी हमारा बाहर आ गया। तो अभी इस ब्लैक वायर को खोलना है, तो चलिए हम इसको भी खोल लेते हैं। तो देखिए ये ब्लैक वायर है, इसको भी हमने खोल लिया, इसका नट हमने खोल लिया, नट हम साइड में रख देते हैं। और ये जो ब्लैक वायर है उसके बाद ये होल्डर अलग हो गया, और उसके बाद हमें ये हल्का सा इसको बाहर की तरफ खींचना है, तो ये भी कैप है इसका, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये सब होने के बाद फिर सिंपली हम इस टेफ्लॉन को यहाँ से उठाएंगे और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, तो ये टेफ्लॉन भी हमारी बाहर आ जाएगी। देखो इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये हमारी टेफ्लॉन भी आप देख पा रहे हो कि ये बाहर आ गई। ये है हमारी टेफ्लॉन, और ये है हमारा हीटर जिस पर हमें थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह करनी है। वैसे तो आप देख पा रहे हो इसमें काफ़ी ग्रीस मैंने पहले भी लगाया था, तो अभी भी इसमें ग्रीसिंग तो है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको और अच्छे से ग्रीसिंग कर देता हूँ, और होता है तो इसकी मैं टेफ्लॉन ही चेंज कर देता हूँ, उसमें नया टेफ्लॉन डाल देता हूँ। मैं आपको नया टेफ्लॉन दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी टेफ्लॉन, ये है टेफ्लॉन का बॉक्स, और इसी के अंदर हमारी टेफ्लॉन रखी हुई है। तो मैं आपको टेफ्लॉन बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये है हमारी नई टेफ्लॉन, तो ये हमें इसमें लगानी है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से इसको ग्रीसिंग कर लेता हूँ इसमें, बाकी इसको टेफ्लॉन को इसमें लगा के फिट करता हूँ। लगाने का भी वही तरीका है जैसे निकाला था, इसमें अच्छे से ग्रीसिंग करके इसको टेफ्लॉन को यहाँ से अंदर डालना है, उसके बाद ये कैप लगाना है। कैप के बाद इसमें जो नट ये जो वायर है ब्लैक वाला, इसमें वापस फिट करना है, इस होल्डर को इस एलिमेंट में टच करना है, जो होल्डर है इसको हमें वापस यहाँ लगाना है। तो मैं ये सब कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो
मैंने अपना टेफ्लॉन चेंज कर लिया है और इसमें अच्छे से ग्रीसिंग भी कर दी है और ये कैप भी लगा दिया और ये वायर भी कर लिए। अब बाकी मैं इस के ऊपर इसको फिट करता हूँ। इसको कुछ नहीं करना, बस बेसिकली थोड़ा सा इसको उठा के इन जो खांचे हैं इनमें फिट करना है। मैं आपको फिट करके अभी दिखा देता हूँ कैसे इसको फिट करना है। बाकी इनके जो होल्स हैं आप देख पा रहे हो कि उसी हिसाब से इनमें गैप दिया हुआ है, तो ये बढ़िया अच्छे से इसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। मैं आपको इसमें फिट करके दिखा देता हूँ। इसको टेफ्लॉन को हीटर को इसमें फिट करने के बाद हमें ये पत्ती जो है वापस से इसी ही जगह फिट कर देनी है। ज़रा हल्के से प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसका एक लॉक ऊपर का टूट गया है इसीलिए अच्छे से लॉक नहीं हो पा रहा। ठीक है, लग गया। चलो बाकी मैं इसको आपको और फिट करके बताता हूँ। अब कुछ नहीं, इसको नॉर्मली हमें बंद कर देना है। बाकी जो हमने इसके ये लॉक खोले थे, जो नट्स खोले थे, सिंपली आप इसको प्रेस करोगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। इसको प्रेस करना है और इसको भी हमें सिंपली प्रेस करना है तो ये अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। ये देखो लॉक सही से लग गया और यहाँ भी हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये भी लॉक यहाँ आ जाएगा। और बाकी फिर उसके बाद हमें इसके जो होल्स में नट हैं वो लगा देने हैं। इसको ये पत्ती बाहर निकल रही है तो मैं अभी इसको फिट कर दूँगा अच्छे से। बाकी फिर जब तक आप ये नट्स लगा लीजिए। ये दोनों नट मैंने लगा लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद आपको ये पत्ती फिट करनी है। तो ये पत्ती फिट करने के लिए आपको सिंपली इसमें जो ये टीथ्स दिख रहे हैं इनको अच्छे से इन टीथ्स के साथ मैच करना है, फिर लगाना है। तो मैं इसको मैच करके लगाता हूँ। तो दोस्तों ये पत्ती भी मैंने इसमें फिट कर दी है अच्छे से। और अब बाकी उसके बाद हमें ये वायर है, वायर सेटिंग को अच्छे से लगाना होगा और इसमें जो ये इसकी कैसेट है इसमें वायरिंग को अच्छे से फिट करना होगा। जो इसके ये सांचे बने हुए हैं उन्हीं में होल्स में वायर को अच्छे से फिट करना होगा, फिर यहाँ रखना होगा। तो मैं फिट कर लेता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये मैंने इसको फिट कर दिया है। अब इसको फिट करने के बाद हमें वो जो इसके ऊपर की प्लेट है, पत्ती है, वो उस पर रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इस होल्डर को लगाना पड़ेगा तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ। सिंपली ये साइड है इसकी, तो इसको अच्छे से हमें इस पर रखना है और इसके जो ये खांचे हैं इनमें इनको फंसाना है अच्छे से, तो ये होल टू होल ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। तो ये होल टू होल मैच हो गई। उसके बाद हमें इस पर अच्छे से नट को लगा देना है। बाकी आप देख पा रहे हो हमारे साथ हमारे पास काफ़ी नट हैं, यानी कि ये खुले हुए हैं, तो हम इनको लगा के दिखा देते हैं आपको। पहला जो नट है वो हम यहाँ लगाते हैं। अभी पूरे तरीके से इनको कसना नहीं है नट्स को। मैं आपको बाकी के सारे नट्स कस के फिर आगे की वीडियो बताता हूँ। इस प्लेट के ये तीन चार नट लगाने के बाद उसके बाद हमें ये होल्डर है इसको इसके होल्स के साथ मिला के यहाँ पे इसके जो स्क्रू हैं वो हमें लगा देना है। उसके बाद हमें ये स्क्रू है इसको भी वायर को यहाँ टच करना होगा। फिर उसके बाद हमारी फिक्स यूनिट तैयार है मशीन में लगने के लिए। तो मैं ये दो नट और लगा लेता हूँ फिर आपको आगे मशीन में फिक्स यूनिट लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने ये होल्डर लगा लिया है। बाकी इसके बाद अब ये फिक्स यूनिट तैयार हो गई। अब हम इसको अपनी मशीन के अंदर लगाते हैं, ये मशीन जिसमें से हमने अपनी फिक्स यूनिट बाहर निकाली थी। तो चलिए मैं इसमें लगा लेता हूँ। लगाने का भी सिंपली वही तरीका है जैसे हमने निकाला था। चलिए, जिसका जो होल्डर है
ये होल्डर यहाँ जाके इसमें कनेक्ट होता है, तो ध्यान रखना कि अच्छे से इसको फिट करना। तो दोस्तों ये फिक्स यूनिट हमने इसमें फिट कर लिए, और बाकी इसके जो नट्स हैं जो हमने दोनों इधर उधर से खोले थे वो भी हमने लगा दिए। तो चलिए अब हम इसमें फ़ोटो कॉपी आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है एक डॉक्यूमेंट हमारे पास, तो इसकी फ़ोटो कॉपी करके हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हम आ रही थी वो हमारी सही हुई कि नहीं हुई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह है वो डॉक्यूमेंट जिसकी हमने फोटोकॉपी की है। देखिए ये ठीक आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द ही रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।